नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में CITS ऑनलाइन फॉर्म 2024 को लेकर बात करेंगे। इसमें ITI छात्रों के लिए एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ऐसे में ITI छात्र कहां से लाएंगे एक साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आ रहा था, सर एक्सपीरियंस के बारे में कोई सोल्यूशन बता दीजिए। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे सोल्यूशन हैं, जिसमें मैं कुछ सोल्यूशन को बताऊंगा और आप सभी को फॉलो भी करना होगा, और साथ में अगर घर का भी कोई है तो उनसे भी ये फॉलो करवाइएगा, इससे हेल्प मिल पाएगी। हालांकि CITS 2024 में बस ये लागू हुआ है कि एक्सपीरियंस वाले फॉर्म को भरेंगे ITI वाले। वैसे तो सिर्फ ITI के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इससे पहले 2023 में या 2022 में या 2021 में 2020 में या जब भी CITS का ऑनलाइन फॉर्म आता था तो एक्सपीरियंस नहीं मांगता था, लेकिन इस बार क्यों मांगा गया है, ठीक है, और उसका सोल्यूशन क्या है, वीडियो को अंत तक बने रहेगा, सारी प्रॉब्लम हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं और इसकी सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक बने रहेगा और ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके अकेले प्रयास से ये काम नहीं हो पाएगा। हम सभी लोगों को मिलकर, चाहे आप ITI होल्डर हो, चाहे आप डिग्री डिप्लोमा होल्डर हो, सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि ITI वाले भी छात्र इस फॉर्म को भर पाए, नहीं तो उनका भी सपना अधूरा रह जाएगा। बहुत से कैंडिडेट का सपना होता है कि वो ITI में इंस्ट्रक्टर बने, और उसके लिए पहले ही अभी ITI कर रहे हैं तभी एक्सपीरियंस मांग दिया गया है, तो वो कहाँ से करेंगे बताइए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है, और आप सभी लोग मिलकर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा कि और लोग भी कर पाए। और जो भी कैंडिडेट CITS इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे ना तो आपको CITS कोर्स मिल जाएगा, जिसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आप लोग को मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलेगा वो देख लीजिए। तो आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद आप लोगों को इंट्रेंस एग्ज़ाम फुल प्रैक्टिस सेट, भारत स्किल की मॉक टेस्ट, और यहाँ पे स्टडी मटेरियल जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जैसे कि यहाँ देखेंगे ओपन करने के बाद 4000 का MCQ मिल जाएगा, फीटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, मैथ और रीजनिंग की बुक विथ सोल्यूशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे और ट्रेड का भी अवेलेबल है, जैसे फीटर इंट्रेंस एग्जाम हो गया, इलेक्ट्रीशियन इंट्रेंस एग्जाम हो गया, मैकेनिक मोटर व्हीकल हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, या अन्य ट्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उनके भी कोर्स बना दी जाएगी। तो चलिए हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उस सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले देख लीजिए, जो CITS 2023 में, 22 में, 21 में जब भी वैकेंसी इसकी आती थी, ऑनलाइन फॉर्म आता था, तो कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगता था। मैं यहाँ पे अपने सक्सेस करियर टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी ज्वाइन हूँ, यदि आप ज्वाइन नहीं होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 12,700 से अधिक कैंडिडेट को डायरेक्टली लाभ मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन होता है CITS से रिलेटेड इस ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, साथ में व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं PDF 2022-23 में जो भेजा हुआ है वो सभी PDF इसमें सेव है, तो यहाँ से आकर आप लोग कैसे निकालेंगे उन PDF को, यहाँ फाइल में चले जाइएगा। फाइल में जाने के बाद हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस देखिए, 2021 का भी प्रोस्पेक्टस डाला है, 22 का भी, 23 24 वाला भी, ठीक है, 2023 वाला भी। हम कोई एक डाउनलोड करके आप लोगों को दिखाते हैं, उस समय कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था। मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ, 2022 वाला या 23 वाला, कोई भी, 23 24 वाला है, यानी पिछले साल का है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी वाले पे मैं चल रहा हूँ, सबसे पहले थोड़ा इसको मैं जूम कर ले रहा हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया था, तो इसमें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या NSC जो ITI छात्र हैं वो रिलेवेंट ट्रेड में, यानी कि जिस भी ट्रेड से, वो फॉर्म भर पाते थे, और डिप्लोमा और डिग्री वाले फॉर्म को भर पाते थे, ठीक है। कहीं भी यहाँ पे देखिए SCVT कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल, SCVT भी कैंडिडेट पिछले साल एलिजिबल था, और यहाँ पे कहीं भी एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं था कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन इस साल जो वैकेंसी आई है उसका देख लीजिए क्या मांगा जा रहा है। तो इसी टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को सुबह ही ये PDF भेज दिया था, यदि आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, CITS 2024 एंट्री क्वालिफिकेशन वाला। इसको ओपन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं ओपन कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा, ये ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं वो तो सही है, डिग्री का डिग्री मांग रहा है और डिप्लोमा वालों को डिप्लोमा मांग रहा है, उनके लिए तो एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है।
मांग रहा है जो 10 पास पर से आईटीआई किए हुए हैं उन छात्रों के लिए देखेंगे तो 1 ईयर रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, हर ट्रेड में मांगा हुआ है। देखिए किसी किसी में यहाँ पे अगर देखेंगे कैटरिंग वाले में तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आईटीआई वालों के लिए। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो वुड वर्क के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट ट्रेड में एनटीसी एनएससी वालों के लिए मांगा हुआ है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, मैं फिटर वालों के लिए भी दिखा दूँ, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, ड्राफ्टमैन, यानी कि जिस भी ट्रेड में, इलेक्ट्रिशियन वालों में देखिए यहाँ टेंथ क्लास विथ 2 ईयर एनटीसी एनएससी पास इन ट्रेड इलेक्ट्रिशियन प्लस 1 ईयर रिलेटेड एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो अब ऐसे छात्र क्या करेंगे यार, मजबूर हैं, आईटीआई कर रहे हैं तो जॉब करने कहाँ जाएं, और जॉब करने लगेंगे तो फिर पढ़ने का मन करेगा क्या? ऐसे में तो सीआईटीएस का कोई मतलब ही नहीं बनता है 1 साल का। हालांकि इससे पहले जब भी इसकी ऑनलाइन फॉर्म आती थी 2022 में, 2023 में, 2019 में, 20 में, या इससे जब भी 2024 में आया, इससे जब भी पहले फॉर्म आया है उसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इस साल क्यों एक्सपीरियंस लगाया गया, इसकी इसी को लेकर आप लोगों को सवाल उठाना है। और हर एक कैंडिडेट की जिम्मेदारी है ये वीडियो शेयर करिए कि आप लोग की ही हेल्प मिल पाए। अब चलिए हम सोल्यूशन बताते हैं इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए यहाँ पे नीमी ऑनलाइन एडमिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम इस पे आ गए, और आप यहाँ पे कहीं भी देखेंगे ना तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी नहीं है। आप सभी को इसके कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करना है और ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना होगा। ईमेल क्या करना होगा कि सर हम आईटीआई होल्डर हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस क्यों लगाया गया है, प्लीज़ इसे हटाइए, हम लोगों को सीआईटीएस करने में परेशानी हो रही है। क्योंकि देखिए सीआईटीएस करने के बाद एक्सपीरियंस मांगता है, अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, डिप्लोमा किए हुए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, और डिग्री किए हुए हैं तो 1 साल का किसी भी इंस्ट्रक्टर फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब की इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आती थी अनुदेशक उनके लिए ये था। लेकिन यहाँ पे पहले ही मांग रहा है तो इसको आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करना होगा, सभी कैंडिडेट करेंगे, चाहे आप आईटीआई किए हों, चाहे डिग्री किए हों या डिप्लोमा किए हों, सबको करना है, याद रखिएगा। और अपने घर में भी अगर नंबर होगा तो उनसे भी करिएगा। और ये अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व होती है, मैं 2019 से ही मैं अपडेट दे रहा हूँ सीआईटीएस के बारे में तो मुझे पता है हमेशा प्रॉब्लम हुई ना, तो वो ईमेल आईडी से अगर आप करेंगे तो वो रिप्लाई भी देंगे। तो आपको ईमेल आईडी में लिखना है कि सर 1 साल का एक्सपीरियंस आईटीआई वालों के लिए हटा दीजिए, हम लोगों को सीआईटीएस फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है, और क्वालिफिकेशन मान के चलिए कि ये ट्रेनिंग है तो इसके लिए इससे पहले आप लोग लिखिएगा यानी कि 2024 से पहले एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता था, लेकिन इस साल क्यों मांगा जा रहा है, सर प्लीज़ इसको हटा दीजिए, मतलब रिक्वेस्ट करना है। और आप लोगों को अधिक से अधिक कॉल करके उनसे ये बोलना है कि सर इसे हटाइए और जैसे पहले होता था वैसे ही करिए। चलिए मैं आप लोगों को वो नंबर और ईमेल आईडी सभी अवेलेबल करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीमी ऑनलाइन एडमिशन की तरफ से ये है, और यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, जनरल क्वेरी या किसी भी तरह की क्वेरी के लिए इन 2 नंबर पे कर लीजिएगा। तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा में बात करने के लिए इन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और इश्यू ऑनलाइन एडमिशन में कोई भी दिक्कत होगी तो इस कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं। और ईमेल आईडी पे आप लोगों को लिख कर भेजना है कि सर इससे पहले 2024 से पहले जितनी भी ऑनलाइन फॉर्म आई है उसमें कभी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसलिए हम आईटीआई छात्रों को दिक्कत हो रहा है। इस ईमेल आईडी पे अधिक से अधिक भेजिएगा, ये ऑफिशियली ईमेल आईडी है। चलिए मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन के थ्रू और दिखा देता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। ये चीज़ें आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दिया हूँ आप लोगों के सामने ही, ये यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। जब टेलीग्राम चैनल ओपन करेंगे ना तो यहाँ पे नीचे मैं डाल दिया हूँ सीआईटीएस इंस्ट्रक्शन, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे से डाउनलोड कर लेंगे आप लोग। इसमें ये ऑफिशियली है जो कि पिछले साल ये प्रोवाइड किया गया था तो मैं इसको सेव रखा हूँ, और ये हमेशा हर साल इस पे हेल्प मिलता है, सीआईटीएस गड़बड़ करती है तो ये ईमेल आईडी आप लोग खोजने लगते हैं। देखिए ये सीआईटीएस के द्वारा ही ऑल इंडिया कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डीजीटी यानी डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग न्यू दिल्ली के द्वारा ये पूरा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपका प्रॉब्लम हो रहा है या किसी भी तरह की ऑनलाइन सबमिशन में एप्लीकेशन फॉर्म भरने में दिक्कत होगी या डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रॉब्लम होगी उसके लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत होगा तो ये सीआईटीएस का हेल्प डेस्क नंबर है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ से ये है फ़ोन नंबर,
पीएन यादव डायरेक्टर, ये तो पुराना नंबर है 2018 का, तो इस पर न कॉल करके आप लोग इन नंबर पे जरूर कॉल करिएगा। और इसका पर्सनल देखिए निमी ऑनलाइन एडमिशन का पर्सनल ईमेल आईडी है, तो आपको ईमेल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, आप भी करिए। और आपके भाई बहन है, घर में किसी का नंबर है, उनसे भी ईमेल करिए कि उनको पास अधिक से अधिक ईमेल जाए, जिससे कि वो इस चीज़ को हटा सकते हैं। कोई भी ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए इससे पहले तो एडमिशन हुआ है ना, 2023 तक तो सालों से एडमिशन चला आ रहा है बिना एक्सपीरियंस का, इस साल क्यों लागू करा है, इसे तो हटाया जा सकता है। तो आप लोग हेल्प करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा कि सभी के पास जाए, तो अधिक से अधिक ईमेल पहुँचेगी। और आप भी खुद ईमेल करिएगा, आप डिग्री हो डिप्लोमा हो, तो ये मत सोचिएगा कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है तो हम क्यों ईमेल करें, नहीं, इससे आप ही भाई लोगों का हेल्प होगा, जो आईटीआई वाले भाई हैं उन सबका हेल्प होगा। तो आप खुद करिएगा और साथ में जो भी कैंडिडेट हैं उनसे भी करवाइएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, साथ में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ में इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट देने में, जो कि एग्जाम जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, सीबीटी एग्जाम में सारा क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व करके बनाया गया है। 100% आपको एनएसटीआई में एडमिशन दिला देगा यदि आप तैयारी कर लेते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।